ने सेफ्टी में एडमिशन नहीं लिया है, वो एटलीस्ट देख पाए कि ये होना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, अभी कुछ भी कह दे रहे हैं लोग, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। अभी तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने के बाद होल वॉचर की जॉब कर रहे हैं, जाकर परमिट रिसीवर की जॉब कर रहे हैं। होल वॉचर, परमिट रिसीवर, ये जॉब थोड़ी है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की। यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए और सेफ्टी के बारे में लोग नॉलेज लेने के लिए आए हैं। आखिर यहाँ पे जब हम साइट पर जाएंगे तो हमें क्या क्या कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। ये साइट देखा, ये साइट है, ये हालांकि तीनों फ्लोर पर बच्चे हैं, चारों बैच के जितने बच्चे हैं, ये चारों फ्लोर पर बच्चे हैं। गोरखपुर से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, देवरिया से बच्चे पढ़ रहे हैं, छपरा से आके बच्चे पढ़ रहे हैं, मोतिहारी से पढ़ रहे हैं, बेतिया से आके पढ़ रहे हैं, गोपालगंज से आके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों के लिए लॉज वगैरह की सुविधाएं हैं, उन लोगों को लॉज प्रोवाइड करा दिया जाता है और वो लोग आराम से वहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब साइट विजिट पे स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं तो हम लोग उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में मार देते हैं और सारे टीचर्स जो हैं हर ग्रुप के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। खुशी का बात यह है कि अपना सिवान में बैठकर कोई शख्स और फॉरेनर जो विदेशी लोग हैं उन लोगों को उन्हीं के भाषा में ये जब उनको ये निबोस कराते हैं तो ये गर्व की बात हो जाती है। और जो सिवान के बर्ड्स होते हैं वो सिमिलर हुआ करते हैं। जैसे मैं कुछ हैजर्ड्स का भी एग्जांपल यहाँ पर दूंगा आपको। हाउसकीपिंग, पॉर हाउसकीपिंग, स्कैटर्ड मटेरियल, स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड, इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यू टू डैमेज्ड इलेक्ट्रिक केबल्स, और पॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज और पॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना, या फिर आपका फॉल ऑफ मटेरियल और फॉल ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट और अनगार्डेड प्लेटफॉर्म्स, अनगार्डेड मैन होल्स। अभी हमारे यहाँ अराउंड 150 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, यस नाउ, और हमारे यहाँ से लगभग अराउंड 3000 स्टूडेंट पास आउट हैं और सब जॉब कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे पास निबोश आईजी की है, आईजीसी विदेशी लड़के, हाँ 250। नमस्कार, स्वागत है आपका एसीयू न्यूज़ मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। तो देखिए अभी हम एक बिल्डिंग के साइट पे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैं बिल्डिंग के साइट पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं बता दूँ सिवान में हूँ और सिवान में 2012 से ये जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसका टीचर ये जिसान सर हैं। और जिसान सर जो लगभग 100 से 150 बच्चे हैं, ये तमाम बच्चों को तीन और चार फ्लोर है, ये चारों फ्लोर पे बच्चों लोगों को विजिट करा रहे हैं। हालांकि ये सेफ्टी के टीचर हैं और बच्चों लोगों को ये बता रहे हैं आखिर साइट पे क्या क्या होता है। और आप साइट पे जब पहली मरतबा जाइएगा इंटरव्यू क्वालिफाई करके तो आपको क्या क्या वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो भी हैजर्ड से जो भी खतरा है ये सब जो है करीब से लाकर सर बच्चों को प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकल तो जब लैपटॉप पर होता है, प्रोजेक्टर पर होता है, प्रोजेक्टर पर भी प्रैक्टिकल बता दिया जाता है, लेकिन ये कहें कि हम साल में अगर 3 से 4 मरतबा बच्चों लोगों को अगर हम साइट विजिट कराएंगे तो बच्चों लोगों का जो माइंड है वो डेवलप होगा। हम जानेंगे जिसान सर हैं, हालांकि सिवान में ये पहला टीचर हैं जो कि 50 से लेकर 60 बच्चों का ये इंटरनेशनल बच्चों का ये निबोस कराते हैं सिवान में ही, ऑनलाइन बैठ कर क्लास कराते हैं। और कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि सिवान के निबोस क्लियर किए हैं, जो लोग इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर होंगे वो जिसान सर के बाखूबी वो लोग जानते होंगे, चाहे वो क्लास किए हों या न किए हों। हालांकि इनके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और ये सेफ्टी कराते हैं, सेफ्टी के क्लास भी कराते हैं और यहाँ सिवान में ये निबोस भी कराते हैं। खुशी का बात ये है कि अपना सिवान में बैठ कर कोई शख्स और फॉरेनर जो विदेशी लोग हैं उन लोगों को उन्हीं के भाषा में ये जब उनको ये निबोस कराते हैं तो ये गर्व की बात हो जाती है। और जो सिवान के बच्चे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है निबोस क्लियर करना ऑनलाइन। चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू। सर एक्चुअली क्या है कि आप बच्चों लोगों को साइट पे लाए हैं, ये क्या है, 100 बच्चों को वन टाइम उतार दिए, जो मोहल्ले के लोग हैं परेशान है कि 100 बच्चे कहाँ से आ गए, एक कॉलेज में पढ़ना चाहिए तो ये साइट पे घूम रहा है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, सेफ्टी का कोर्स ऐसा है ना जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट, आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हम लोग क्लासरूम में क्या करते हैं, प्रोजेक्टर की हेल्प से वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये दिखाते हैं कि साइट पे वर्क एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पर होते हैं। बट एक वीडियो देखना और एक रियलिटी में जाकर ऑब्जर्व करना, दोनों में फ़र्क आ जाता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि आप छोटा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, मेजॉरिटी ऑफ हैजर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर हुआ करते हैं। जैसे मैं कुछ हैजर्ड्स का भी एग्जांपल यहाँ पर दूंगा आपको। हाउसकीपिंग, पॉर हाउसकीपिंग, स्कैटर्ड मटेरियल, स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड, इलेक्ट्रोक्यूशन ड्यू टू डैमेज्ड इलेक्ट्रिक केबल्स, और पॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज और पॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, है ना, या फिर आपका फॉल ऑफ मटेरियल और फॉल ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट और अनगार्डेड प्लेटफॉर्म्स, अनगार्डेड मैन होल्स। तो ये सारे हैजर्ड्स जो मैंने बताया कुछ हैजर्ड्स यहाँ पर, ये आपको छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी देखने को मिलते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी। तो हम लोग स्टूडेंट्स को साइट पर इसलिए लेकर आते हैं कि यहाँ पर आने के बाद जब वो ऑब्जर्व करेंगे इन सारे हैजर्ड्स को, तो जब वो रियल वर्क प्लेस पर जाएंगे, एक्चुअल वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है मैंने ट्रेनिंग में ये बात पढ़ा था कि इसको हैजर्ड कहकर क्लासिफाई किया जाता है। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन दे गो टू अ प्रोजेक्ट, वो कन्फ्यूज होते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम जो है इसको हम हैजर्ड कहेंगे या नहीं कहेंगे।
शुड आई नीड टू एक्ट ऑन दिस हैजर्ड और शुड आई नीड टू इग्नोर इट, ये जो कन्फ्यूजन है वो हम लोग खत्म कर देते हैं साइट विजिट की हेल्प से। बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे हैजर्ड्स यहाँ पे साइट पे, आप उनको बताएंगे? एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब साइट विजिट पे स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं तो हम लोग उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में मार देते हैं और सारे टीचर्स जो हैं हर ग्रुप के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ रही है हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, हम उनको बताते हैं यहाँ पर ये हैजर्ड्स हैं और इससे बचने के लिए क्या कंट्रोल्स वहाँ पर लगने चाहिए थे, वो भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है जो बताया जाता है। ऐसे ज़्यादा पैसे कमाना है तो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लो, 6 महीने में सर्टिफिकेट लेकर बढ़िया पैसा कमाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली सी, हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ वेरी डाइवर्स फील्ड और यहाँ पर आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है तो नहीं, आप एक तरह से आप बेईमानी कर रहे हैं। सी, आपकी वजह से अगर किसी वर्कर का डेथ हो जाता है ना, कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाता है, वर्कर हाइट से गिर जाता है, इसलिए कि आप इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए कि आप इनकेपेबल हैं, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, सही से कोर्स नहीं किया, आपने प्रॉपर नॉलेज नहीं ली और इनएडिक्वेट नॉलेज लेकर आप साइट पर पहुंच गए, अब आप वहाँ पर सेफ्टी इंप्लीमेंट ठीक से करा नहीं पा रहे हैं तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए 6 महीना 3 महीना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सेफ्टी एक बड़ा फील्ड है, इसके लिए आपको कम से कम 4-5 फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर फाइटिंग, फायर प्रैक्टिकल, फायर इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल और नेशनल लेबर लॉज, एटलीस्ट इतना पढ़ के जाइएगा आप, देन यू कैन वर्क एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर एंड यू कैन सेव द लाइफ ऑफ वर्कर्स। आप वर्कर्स की लाइफ सेव कर रहे हैं तो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 1 साल का कोर्स है, 1 साल आपके यहाँ कम से कम 1 साल पढ़ना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि 1 साल टाइम लेकर बच्चों से पैसा उसी लिए काम किया जा रहा है सर, ये नहीं, ऐसा नहीं, 1 साल मतलब यूं समझिए आप लोग कि हम लोग तेज पढ़ाते हैं तब 1 साल लग जाता है, अगर हम लोग स्लो पढ़ाएंगे तो 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग जाएगा। कितना टीचर पढ़ाते हैं सर? हमारे यहाँ अभी फिलहाल 4 ट्रेन टीचर्स हैं जो क्लासेस ऑफर करते हैं, अभी नेक्स्ट ईयर में हम लोग 2 और टीचर्स की हायरिंग करने वाले हैं। कितना क्लास चलता है? क्लासेस हमारे यहाँ अभी फिलहाल 4 बैचेस चल रहे हैं, 5th बैच में एडमिशन ओपन है, हर बैच को 3 क्लासेस दी जाती हैं, 2 क्लास सेफ्टी मैनेजमेंट की होती है एंड 1 क्लास इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। सबके अलग अलग टीचर हैं? सबके अलग अलग टीचर्स हैं, सब ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं वो। ऐसा नहीं कि एक टीचर सिर्फ सेफ्टी पढ़ा दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट नाउ जो भी हमारे पास सेफ्टी ट्रेनर्स हैं, लाइक फिलहाल मैं निबोश की क्लासेस, सेफ्टी की क्लासेस देता हूँ, सो आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ गल्फ इन कतर एंड इन दिल्ली आल्सो, सो और जो हमारे दूसरे ट्रेनर हैं रवैद आलम, ही हैज़ वर्कड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज इन गुजरात, है ना, सो पेट्रोलियम फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है, सो ही हैज़ रिच एक्सपीरियंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी, तो जो भी है वो ट्रेंड है, प्रोफेशनल्स हैं एंड दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस, तभी वो सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि 150 बच्चों के साइट पर लाकर इंप्लीमेंट कर देना, ऐसे एडवर्टीजमेंट के बहाना तो नहीं है यार? नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहते हैं दैट व्हाट वी आर डूइंग, ताकि जो लोग जिन लोगों ने सेफ्टी में एडमिशन नहीं लिया है वो एटलीस्ट देख पाए कि ये होना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, अभी कुछ भी कह दे रहे हैं लोग, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। अभी तो मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने के बाद होल वॉचर की जॉब कर रहे हैं, जाकर परमिट रिसीवर की जॉब कर रहे हैं। होल वॉचर, परमिट रिसीवर, ये जॉब थोड़ी है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास नॉलेज की कमी है, उनको ये बता दिया गया इंस्टीट्यूशन में कि देखो ये भी काम तुम्हारा होता है ना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पता चले कि हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें करने को होती हैं। प्रश्न मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आप बहुत ऐसे बच्चों को जो आउट जो फॉरेनर बच्चे हैं उन लोगों को आप निबोस कराते हैं, कितना बच्चे के हर एक बैच में निबोस कराते हैं? देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, रफ कैलकुलेशन, तो एज पर माई एस्टिमेशन 2019 में निबोश ने ऑनलाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था और 19 लास्ट में किया था, तो 19 को हम लोग हटा देते हैं, 20, 21, 22 एंड 23, ये 4 सालों में हर बैच में हमारे 5 से 6 स्टूडेंट्स रहे हैं एंड देयर हैज़ बीन 11 बैचेस इन एवरी ईयर। सो कैलकुलेटिवली हम देखेंगे तो 60 × 4 ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स, 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे पास निबोश आईजी किया है, आईजीसी विदेशी लड़के, हाँ 250 में मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20-25% ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो विदेशी रहे, मतलब विदेशी, हाँ मतलब विदेशी का मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में, इंडिया के रहने वाले और गल्फ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो दे आर बोर्न इन गल्फ कंट्रीज और इन यू नो आउटसाइड ऑफ द कंट्री, लाइक फ्रॉम नाइजीरिया, फ्रॉम फिलीपींस, इवन फ्रॉम यूके, सो उन्होंने किया, हाँ वहाँ से भी किया, यूके सर्टिफिकेट के लिए, यस सब सक्सेस होते हैं। थोड़ा निबोश में क्या होता है कि 100% पासिंग रेशियो नहीं होता है, कुछ लोग फेल भी होते हैं, बट हाँ जो फेल करते हैं वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लेते हैं, बिकॉज हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस लेवल से एजुकेशन प्रोवाइड करें, गाइडलाइंस प्रोवाइड करें कि स्टूडेंट्स खुद से एग्जाम क्वालिफाई करें। आप इंस्टीट्यूट पर सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं या निबोश का ट्रेनिंग देते हैं? दोनों देते हैं। निबोश का अलग एक्स्ट्रा लेते हैं? हाँ, निबोश की क्लासेस अलग होती हैं, उसका बैच अलग होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न अलग होता है उसका, डिप्लोमा के बाद उसकी सर्टिफिकेशन यूके से, इंग्लैंड से आती है, उसका अलग चार्ज होता है। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, एक्चुअली क्या है कि अगर जो बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं तो डिप्लोमा के बाद वो निबोश कर लें या साइट विजिट करने के बाद?
देखिए डिप्लोमा के साथ भी निबोश कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि डिप्लोमा का सिलेबस आपको कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। नाउ हमने क्या किया, लाइक हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने एक पॉलिसी अपनाई है दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द सिलेबस ऑफ निबोश इनटू डिप्लोमा। पूरे निबोश के सिलेबस को डिप्लोमा में हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो एक साल के डिप्लोमा में स्टूडेंट की ट्रेनिंग तो चली रही है टू बी एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, टू वर्क एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, पैरेलली उनकी निबोश की भी ट्रेनिंग हो जाती है। सर जो विदेश से लड़के रिटर्न उन लोग लो भी सेफ्टी करते हैं आपके यहाँ से आकर? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर में जॉब किया है दूसरे फील्ड में एज एन इलेक्ट्रीशियन और पाइप फिटर और स्टील फिक्सर, और वो पढ़े लिखे हैं तो उनको लगता है कि नो आई एम एजुकेटेड, आई शुड वर्क एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, तो वो आते हैं हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं और अच्छे जॉब पे भी हैं, भी वो लोग काम भी कर रहे हैं। सर सेफ्टी का मतलब होता है जूता चेक करना और हेलमेट चेक करना, कहीं यही सेफ्टी है कि सेफ्टी एक्चुअल क्या है, शॉर्ट भाषा में? एक बहुत सिंपल सा सवाल हमसे, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं मैनेजर्स वो अपने सुपरवाइजर को सिर्फ इतना कह दें कि महीने के एंड में तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये है, हम तुमको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहे हैं, है ना, तुमको बस करना क्या है, तुम्हारे अंडर में जो वर्कर्स हैं मेक श्योर करना है कि वो PPEs पहनकर काम करें, तो क्या वो लोग ये काम नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो सेफ्टी ऑफिसर्स की हायरिंग क्यों होंगी फिर वहाँ पर? सो हेलमेट चेक करना, जूता चेक करना, दिस इज़ जस्ट अ वेरी मीनियल जॉब, मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इज़ आप जो काम पूरा कर रहे हैं उसका दिस इज़ 2-3% ऑफ योर जॉब, 97% तो है ही नहीं, वो है आपका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है ना, वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसे इंप्रूव करना है प्रोजेक्ट पे, मैन आवर सेफ मैन आवर कैसे अचीव करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डेवलप कैसे करना है, वर्क साइट पे उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वेस्ट डिस्पोजल प्लान कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, करंट गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर वो क्या है, जो आपके कंपनी में अप्लाई हो रहे हैं एप्लीकेबल हैं उसको कैसे वहाँ पर अप्लाई करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपका इफेक्टिव है कि नहीं है, ऑडिटिंग को सक्सेसफुली कराना, ऑडिटिंग की जो NCR से नॉन कन्फर्मिटीज जो हैं उसको साइट पर इंप्लीमेंट कराना, दीज आर द पार्ट्स, दीज आर योर जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। PPEs चेक करना इज अ वेरी स्मॉल, इज अ वेरी वेरी टाइनी पोर्शन ऑफ व्हाट यू डू एट द वर्क साइट। यानी बच्चे जो मैट्रिक और इंटर करके आए तो आप यहाँ कोर्स कर सकते हैं? हाँ वो कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं कोर्स करने के लिए, एंड आई बिलीव कि कोर्स करने के बाद वो अच्छे ढंग से हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे जॉब भी कर सकते हैं। इंग्लिश आना चाहिए आपके यहाँ? इंग्लिश सिखाएंगे हम, है ना, हम इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हिंदी में बुक है आपके यहाँ? नहीं, बुक इंग्लिश में है बट उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है, और मीनवाइल इंग्लिश की क्लासेस दी जाती हैं, तो 2-3 महीने में बच्चों का जो स्टूडेंट्स का नॉलेज का लेवल है इंग्लिश लैंग्वेज का वो इतना अच्छा हो जाता है दैट दे कैन रीड द बुक्स एंड कॉम्प्रीहेंड ऑल बाय देमसेल्व्स। यानी कोई इंग्लिश नहीं जानता है अगर 12th के एग्जाम दे दिया आपके एडमिशन ले, बेधड़क एडमिशन ले सकता है, एंड हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे कोर्स कंप्लीट के बाद, वो खुद जॉब ढूंढेंगे या आप उसको देखे? नहीं, हम उसको हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली हम उसकी हेल्प करेंगे। अच्छा, हमने आप जॉब नहीं दी, पूरा हेल्प कीजिएगा उसको आप। आप यूं कह सकते हैं कि कंपनी तो खुद की होती नहीं है, है ना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2012 से 2024 आने वाला, इट्स बीन 12 इयर्स, 12 सालों में हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि एक स्टूडेंट भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड घर बैठा हुआ। यानी आप गारंटी नहीं ले रहे हैं 100% को जॉब देंगे ही हम? आप कह सकते हैं कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो है वो बिना जॉब के उसको घर नहीं बैठने देंगे, उसको उतनी असिस्टेंस देंगे कि जॉब पे लग जाए वो। बहुत लोग तो कह रहे हैं 100% गारंटी के साथ मेरे यहाँ कोर्स। आई डोंट नो कैसे कह रहे हैं, क्योंकि कंपनीज तो घर की है नहीं कि मेरी कंपनी है, हमने कोर्स कराया अपने यहाँ ला के रख लिया हमने, ऐसा तो है नहीं। अभी इंडिया के हर बड़ी कंपनीज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वो पहले हमको अप्रोच करते हैं कि सर हमें 2-3 कैंडिडेट्स चाहिए। अभी करंटली हमारे पास लगभग 8 रिक्वायरमेंट्स हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की, लेकिन हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, सब जॉब पर लगे हुए हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है लोगों का? किस चीज से? साइट विजिट का सब मरतबा कराते हैं सालाना? एक बैच को हमारी कोशिश होती है कि 3-4 कंस्ट्रक्शन साइट विजिट कराएं और 3-4 फायर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएं। ये काफी होता है स्टूडेंट को इस लायक बनाने के लिए कि जब वो पहली बार साइट पे उतरेगा ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जाने के बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो इतना कुछ सीख के जाते हैं दैट ऑन द वेरी फर्स्ट डे दे कैन मेक अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। मैनेजर खुश होगा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देख के, प्रमोशन पक्का है। कितना बैच चल रहा है अभी हमारे पास? करंटली 4 बैचेस चल रहे हैं, 5th बैच में एडमिशन चल रहा है। एडमिशन चालू है? यस। तो कंप्यूटर का नॉलेज दीजिएगा? हाँ एग्जैक्टली, न्यू ईयर अभी हमारा एक नया ऑफर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। फ्रॉम जनवरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्यूटर लैब जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की भी क्लासेस दी जाएंगी विदाउट एनी कॉस्ट। यानी जो सेफ्टी में जो रिपोर्ट बनाना है उसको बताया वो जाएगा? हाँ, वो कंप्यूटर पे कैसे बनाते हैं वो उनको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इंग्लिश मीडियम? हाँ इंग्लिश मीडियम। कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा आगे जाकर? कोई मुश्किल, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट। नाम इंस्टीट्यूट का सर? आपका गल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, जी IFSC। ये आपको आंध्रा बैंक है, वी मार्ट के बगल में, छपरा रोड में, आंध्रा बैंक के ऊपर है ये। एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए, चूंकि आप कहाँ का काम किए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर SEO न्यूज़ चैनल फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू।
मेरा नाम एमडी रवैद आलम है, आई बिलोंग टू कटिहार। कटिहार इज़ पार्ट ऑफ बिहार, नॉट आउट ऑफ बिहार। आप सिवान में रह रहे हैं? हम सिवान में 12 साल से रह रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो जॉब है वो J3, जो एशिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्लांट है, हम उसमें जॉब किए हुए हैं फेब्रिकेशन यार्ड में। उसके बाद वहाँ से हम रिज़ाइन दे करके सैमसंग कंपनी हम ज्वाइन किए। ओपाल मेरा प्रोजेक्ट का नाम था, O4ONGC, P4 पेट्रोलियम, A4 एडिशन, L4 लिमिटेड, ओपाल। तो ओपाल प्रोजेक्ट में भी मेरा क्या है जॉब हुआ है, सैमसंग में हम जॉब किए हुए हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या किए कि हम घर आए, और घर आने के बाद सिवान में जो GIFSC है उसमें ज़रा सा हमने विजिट के लिए आया, और नसीमुर रहमान सर से हमारी बातचीत हुई तो बोले कि यहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं टीचिंग में शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, और टीचिंग मुझे काफ़ी पसंद है, और मैं शुरू से ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ा के सेफ्टी ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, और मेरे अंदर जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ मैं, है ना, बच्चों को दूँ। अभी कितने स्टूडेंट हैं आपके इंस्टीट्यूट में? अभी हमारे यहाँ अराउंड 150 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, यस नाउ। और हमारे यहाँ से लगभग अराउंड 3000 स्टूडेंट पास आउट हैं, और सब जॉब कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं, और फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं। इवन के सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी इंजीनियर के पोस्ट तक सब हायर हो चुके हैं, अच्छी सैलरी है उनकी, और काफ़ी वो लोग खुश हैं हमारे यहाँ से पढ़कर। सर एक्चुअली जो आउट ऑफ बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं उन लोगों की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? जो लोग आउट ऑफ बिहार, अभी कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे अभी? हमारे यहाँ गोरखपुर से बच्चे आके पढ़ रहे हैं, देवरिया से बच्चे पढ़ रहे हैं, छपरा से आके बच्चे पढ़ रहे हैं, मोतिहारी से पढ़ रहे हैं, बेतिया से आके पढ़ रहे हैं, गोपालगंज से आके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों के लिए लॉज वगैरह की सुविधाएँ हैं, उन लोगों को लॉज प्रोवाइड करा दिया जाता है, और वो लोग आराम से वहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। एकदम आसान भाषा में? आसान, देखिए हमारे यहाँ का जो सिलेबस है ना वो है इंग्लिश में, लेकिन हम लोग जो उसको टीच करते हैं ना तो बहुत ही आसान भाषा में, यानी हिंदी में उसको समझाते हैं, बताते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कन्फाइन स्पेस है, टावर करेन है, मोबाइल करेन है, इसके फोल्ड है, ठीक है, ये सब का हम लोग बाज़ाबता मॉडलिंग बच्चों से बनवाते हैं। बच्चे बनाते हैं? जी बच्चे बनाते हैं, उसका हम लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, और जो साइट पे अलग अलग जो हमारे परमिट इशू करना पड़ता है, अलग अलग जो परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, वर्क एट हाइट है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, कन्फाइन स्पेस है, ठीक है, एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट है, नियर मिस है, डेंजरस ऑकरेंसेज हैं, और भी बहुत सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट्स वगैरह हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आर प्रैक्टिकली डूइंग एट माई इंस्टीट्यूट। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जेरक्स करके एक एक उनको कॉपी देते हैं हाथ में, और बाज़ाबता उनसे ये प्रैक्टिकल हम लोग करवाते हैं, ताकि जब बच्चे हमारे फील्ड में जाएं तो उनको ये फीलिंग ना हो कि हम लोग अननोन हैं। इसलिए हमारे यहाँ के जो बच्चे पास आउट हैं वो बच्चे हमारे पास आउट होने का जब साइट में जाते हैं ना तो उनको साइट नया जैसा नहीं लगता है। अच्छा, इसीलिए हम लोग साइट घुमाते हैं? इसलिए हम लोग साइट विजिटिंग करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, और पेपर वर्क का प्रैक्टिस करा देते हैं। इस तरह से बच्चे को मांझ देते हैं कि जब मांझे हुए स्टूडेंट हमारे साइट जाते हैं तो वहाँ के जो कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं उनको ये फीलिंग नहीं होता है कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस होल्डर हैं। यही वजह है कि आज हमारे उस कंपनी से फिर नेक्स्ट जब वांट आता है तो हमारे यहाँ अप्रोच करते हैं कि हमें ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए। इसलिए हमको ऐड वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास आउट बच्चे ही हमारा ऐड का काम करते हैं। ये जो आपको लाते हैं बच्चे? बच्चे यही हमारे लाते हैं। लोकेशन क्या है सर? हमारा जो लोकेशन है, अगर स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं या आप JP चौक और ये मैरवा की तरफ से आते हैं तो बबुनिया मोड़ से छपरा रोड की तरफ 200 कदम बढ़ेंगे, भी मार्ट मॉल है, भी मार्ट मॉल, जैन स्वीट, फतेहपुर बाईपास है, उसी जगह पे यूनियन बैंक या आंध्रा बैंक, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उस बैंक के ऊपर हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट है।
दिखाइए एक मरतबा कैमरा उठा के, जरा कैमरा उठा के दिखाइए जितने बच्चे हैं, तमाम जो बच्चे हैं ये तमाम बच्चे आए हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए और सेफ्टी के बारे में लोग नॉलेज लेने के लिए आए हैं। आखिर यहाँ पे जब हम साइट पर जाएंगे तो हमें क्या क्या कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, ये साइट दिखाइए, ये साइट है ये। हालांकि तीनों फ्लोर पर बच्चे हैं, चारों बैच के जितने बच्चे हैं ये चारों फ्लोर पर बच्चे हैं और जो सेफ्टी के बच्चे हैं उन लोगों को ये मौका दिया जा रहा है कि आप साइट पर जाएँ और हजार्ड को पहचानें। आखिर आपको आगे क्या करना होगा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या अगर आप अपनी ज़िंदगी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए और वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद से दो तीन दिन आप डेमो क्लास कीजिए और डेमो क्लास के बाद आप एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, लेकिन एक मरतबा अगर सेफ्टी के बारे में सोचना चाहते हैं।